हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ तोरू दत्त जी की एक पोएम जिसका नाम है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे तोरू दत्त जी का, जो भी उनकी लाइफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे टेक्स्ट पे, पोएम के टेक्स्ट पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो तोरू दत्त जी हैं, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 में, और ये बहुत ही कम उम्र में एक्सपायर हो गई थी 30 अगस्त 1877। महज 21 साल की उम्र में ये दुनिया को छोड़कर चली गई थी, बट ये 21 साल में भी उन्होंने वो कमाल करके दिखाए थे जो शायद ही किसी और ने करके दिखाए हों। तो ये एंग्लो इंडियन पोइट रही हैं, बंगाली ट्रांसलेटर थी, बंगाली पोइट थी, जिन्होंने ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया के दौरान लिखा है, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज चलता था। शी इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर, और अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इन इंग्लिश, तोरू दत्त इज़ वेल नोन फॉर हर कंपोजिशंस इन फ्रेंच। तो उनको फ्रेंच में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा है, और इनको बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रिव्यूज़ भी मिलते थे अपने वर्क के प्रति। और इसके अलावा इनकी कुछ जो फेमस वर्क हैं पोइट्री के, उनमें आता है एंशंट बलाड्स और लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। मोस्ट पॉपुलर जो इनकी पोइम्स रही हैं उनमें आता है सीता, लोटस और लक्ष्मण और अ कैसरेनिया ट्री और भुट्टो। अभी आ जाते हैं हम पोइम पे जिसका नाम है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। तो ये सबसे पहले आपको बता देंगे 14 लाइंस की पोइम है, और आपको पता है कि 14 लाइंस की जो पोइम होती है उसको सोनेट कहते हैं। तो ये एक सोनेट है, और इसमें क्या है, ये लिखी गई है पेट्रार्कन स्टाइल में, यानी कि ये जो पोइम है ये दो डिविजन्स करी गई हैं इसकी, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब 8 लाइंस और सेस्टेट मतलब 6 लाइंस। तो इसमें जो पहली 8 लाइंस हैं उसमें प्रॉब्लम बताई गई है ऑफ सर्चिंग फॉर द क्यूनलिस्ट फ्लावर इन ऑक्टेव। तो मतलब जो भी क्यूनलिस्ट फ्लावर की मांग है, की हुई है, उसको ढूंढना है कौन है क्यूनलिस्ट फ्लावर। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगली 6 लाइनों में इन्होंने दिया है। तो लोटस था ये, फाइनली इन्होंने अगली लाइंस में सर्च किया है। तो स्टार्ट करते हैं, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर। तो जो गॉड ऑफ लव है क्यूपिड, वो आते हैं फ्लावर की गॉडेस फ्लोरा के पास, और उनको टास्क देते हैं एक फ्लावर को क्रिएट करने का, और फ्लावर के लिए बोलने का, पूछने का उनसे। और इस जो ये जो पोइम है इसमें रोज़ और लिली की रिलेशन इसमें बताया गया है, जैसे कि रोज़ इज़ फॉर पैशन एंड लिली इज़ फॉर प्योरिटी, तो वैसे ही कुछ इसमें दिया गया है। तो ये बोलते हैं आगे, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर। लव गॉड जो है, गॉड ऑफ लव क्यूपिड, वो फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर्स उनके पास आते हैं और उनको फ्लावर की मांग करते हैं उनसे। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और वो बोलते हैं कि फूल ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, और सभी उसको अपनी सहमति से मान लें। सॉरी, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग had been rivals for that high honor। वो जो लिली है और जो रोज़ है, इन दोनों में बहुत पहले से ये जो हाई ऑनर के लिए ये एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, इनका कंपटीशन चलता रहा है वो हाई ऑनर पाने के लिए। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, और जो उनके बार्ड्स हैं पावर के, वो उनके जो क्लेम्स हैं वो उनके क्लेम्स का गुणगान गाते हैं। द रोज कैन नेवर टावर और लाइक द पे लिली विथ हर जूनो मेन। तो वो बोलते हैं कि जो रोज़ है वो लिली की तरह प्राइड से ऐसे स्ट्रेट टावर की तरह नहीं खड़ा हो सकता,
फिर आगे बोलते हैं बट इज़ द लिली लवलियर, फिर बोलते हैं क्या लिली लवलियर है रोज़ की तरह। दस बिटवीन फ्लॉर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज पावर। तो ये जो है दो गुटों में बढ़ जाते हैं फ्लावर्स वगैरह, कुछ रोज़ की साइड हो जाते हैं, कुछ लिली की साइड हो जाते हैं। फिर आगे क्या है, आगे दोबारा से लव गॉड बोलते हैं क्यूपिड, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज रोज़। तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा फूल चाहिए जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और ऐसा होना चाहिए जो लिली की तरह बिल्कुल स्ट्रेट हो, अपने गर्व से अकड़ कर तन कर खड़ा हो। बट ऑफ वट कलर, फिर वो बोलते हैं पर किस कलर का, रोज रेड। तो पहले लव जो है, लव फर्स्ट चूज, तो पहले लव चूज करते हैं रोज रेड, देन प्रेड नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइड। फिर वो बोलते हैं अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं, बोलते हैं नहीं लिली वाइट दे दो, या फिर आप एक काम करो आप दोनों दे दो। एंड फ्लोरा गिव द लोटस, और जो फ्लोरा है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है, वो डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए उनको लोटस देती हैं रोज़ रेड डाइड, जो कि रोज़ रेड डाइड डाइड है, और लिली वाइट, और लिली वाइट यानी कि उसमें रोज़ रेड का कलर भी है और उसमें लिली वाइट जो है उसका कॉम्बिनेशन भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर ये एक फ्लावर बनाती हैं जिसका नाम होता है लोटस, द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लोज। तो इसको कंसीडर किया जाता है क्वीनलेस फ्लावर, और इसको सभी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता। तो अब बात ये है कि जो हमारी ऑथर, जो हमारी पोइट है तोरु दत्त, उन्होंने लोटस को ही क्यों चूज़ किया। तो ये बेशक फॉरेन में, फॉरेन लैंग्वेज में लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी, कुछ इनके वर्क्स इंग्लिश में, फ्रेंच में थे, फॉरेन में रहती थी, लेकिन ये लोटस, ये पोएम लिखने के लिए इनका मतलब, ये अपना प्यार जाहिर करना चाहती थी इंडियंस के लिए, अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो इंडिया हमारी कंट्री है, यहाँ पे जो लोटस है इसको सेक्रेट माना जाता है, खासकर हिंदू रिलीजन में। तो इनकी पूजा भी की जाती है और गॉड से कनेक्टेड एसोसिएटेड हैं ये, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं इनके साथ, विष्णु जी हैं इनके साथ कनेक्टेड हैं ये, उनके मतलब वो यूज़ करते हैं इसको। तो जो लोग हैं वो चाहे मूर्ति पूजा करते हों या ऐसे इसको पूजते हैं, तो भगवान से भी कनेक्टेड हैं, तो वो अपने कल्चर को, अपने कल्चर को इस पोएम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करना चाहती थी, इंडिया के कल्चर को। इसके अलावा जो लोटस है वो नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लावर भी है इंडिया का, तो उसको सभी फ्लावर्स में से सुपीरियर पोजीशन देने के लिए, सबसे ऊंचा दर्जा देने के लिए वो ये पोएम लिख रही हैं, और इसलिए उन्होंने लोटस को, जैसे यहाँ पे बताया गया कि डिस्प्यूट रोज़ और लिली में था, और दोनों को मिलाकर, दोनों के गुण मिलाकर उन्होंने लोटस बनाया, ये जो गॉडेस थी फ्लोरा। तो वैसे ही ये अपने जो अपनी कंट्री का फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है लोटस, उसकी तारीफ करते हैं, और ये पोइम जो है हर जगह पढ़ी जाती है। तो ऑब्वियसली हमारी जो देश की संस्कृति है उसको ये आगे लेकर जाना चाहते थे, और अपने दिल में जो इंडियंस के लिए प्यार है वो दिखाना चाहते थे कि वो अब बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने कंट्री का, कंट्री के लोगों का, और अपने जो कल्चर है उससे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पोइम समझ आ गई होगी, आ गई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।